मैंने वीडियो स्टार्ट की, मतलब मैंने कहा 10-15 मिनट सुनूंगा, वो घंटा डेढ़ घंटा समझ ही नहीं आई। इंडिया में कोई बच्चा पैदा होता है, ये मोदी जी बता रहे हैं कि बच्चा कोई पैदा होता है तो वो अपनी माँ को आई बोलता है, ठीक है, मतलब हम इधर अम्मी जान बोलते हैं, उधर आई बोला जाता है। लेकिन उधर उन्होंने एक चीज और साथ बड़ी मजे की जोड़ी कि इसके साथ बच्चे को AI का भी जो है ना पता होना चाहिए। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। जर्मन ने वो केजरीवाल के ऊपर जो बात की, स्टेटमेंट दिया तो शट अप कॉल मिली। USA ने बात की तो शट अप कॉल मिली। उकवामे मुहतैदा ने बात की तो शट अप कॉल मिली। शट अप कॉल किस चीज को लेके मिली कि देखिए ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, ये हमारे मुल्क के मामलात हैं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम USA वाले कौन होते हो? तुम जर्मन वाले कौन होते हो? उकवामे मुहतैदा कौन होते? देखिए सर बात सुनिएगा मेरी, इसे कहते हैं गैरतमंद वजीर आजम। सबसे ज्यादा मस्जिदें तोड़ी गई हैं, शहीद की गई हैं चाइना में। मुसलमानों के सबसे साथ सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ है वो चाइना के बीच में हुआ है। इंडिया ने वो जुल्म कभी नहीं किया। बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की थी इंडिया ने? आज से कई सौ साल पहले, ना आप उधर मौजूद थे ना मैं उधर मौजूद था। देखिए उस सौ साल पहले, 500 साल पहले, कितने भी सौ साल पहले उधर बताया जाता है कि हिंदुओं का जो मंदिर मौजूद था, जो राम है ना, जो हिंदुओं के राम है, उनकी उनकी पैदाइश उधर की थी या अच्छा, उनकी जन्म। मुझे बताएं बाबरी मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद क्यों है? मतलब उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद क्यों है? बाबरी मस्जिद बादशाह बाबर, हाँ जी, ये बाबर ने मस्जिद बनाई। उन्होंने इंडिया की बात की, अब चाइना की बात करें, चाइना में मुसलमान अच्छी हालत में है? चाइना में हमें दिखाई नहीं रहा ना, यही बात है ना। आप लोगों ने इंडिया का बात की, इंडिया हमारा सच में दुश्मन है। कैसे? थोड़ा सा बताएं। उसने जो है ना फलस्तीन के खिलाफ जो है ना उठे उखड़े हो गए। अब आपको मजे की बात बताऊं, गजा में उन्होंने हेल्प, गजा का पता ना फलस्तीन गजा, वहाँ पे इंडिया ने हेल्प भेजी, बकायदा माली प्लेन भेजा है। उसने जो है ना इसराइलों के साथ दिया, ठीक है ना? अच्छा पाकिस्तान कहाँ पे गजा के साथ या इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, मुझे बताएं। हम तो मजबूर है ना, हम मुसलमान हो के नहीं खड़े हो रहे, और हम कहें कि इंडिया क्यों नहीं खड़ा हुआ, हम सऊदी अरेबिया खड़ा हुआ है, हम चले गरीब है सऊदी अरेबिया खड़ा हुआ है, लेकिन खिलाफ तो नहीं खड़े ना, इंडिया खिलाफ खड़े है। हिंदुस्तान में आपको आइडिया कि पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है उधर। देखिए इतने मुसलमान उधर है, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, ये सिर्फ मीडिया दिखा रहे मुसलमानों के ऊपर। कौन कह रहा है कहां पे हो रहा है? आप वीडियो नहीं देखो, मस्जिद मस्जिद जल रहा है, ठीक है ना, हर मुसलमान के साथ उधर जुल्म हो रहा है। चाइना में मुसलमान किस हालत में है? चाइना के मुसलमान किस हालत? चाइना का तो सिफत नहीं कर रहा, वो भी ऐसे है। हमारे पश्तो का एक शायर है बख्ती रहमान नाम, उसने बोला है कि जब मोहब्बत की बदले मोहब्बत मिलेगी, जब इंडिया वाले हमें मोहब्बत देंगे तो हम मोहब्बत ही देंगे। ईरान इस्लामिक कंट्री है तो उसके साथ भी हम जंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। हम किसी के साथ नहीं करते, यकीन हमारा अफगानिस्तान नहीं है, हालांकि एक ही लोग है, उधर भी पठान रह रहे हैं, इधर भी पठान रह रहे हैं, तो उनके साथ फिर भी नफरत कर रहे हैं क्यों? अब वो तो चले हिंदू है, वो तो बड़ी उसका तो हम लॉजिक दे देते हैं ना कि हिंदू है, अफगानिस्तान में क्यों लड़ाई कर रहे हैं हम, क्या वजह? वो भी इंडिया के साथ मिले हैं, फिर डॉलर की बात है। हां इंडिया के साथ मिले। अच्छा वो भी मिले हैं, वो इंडिया का तारीफ करते हैं, ठीक है ना? अच्छा अफगानिस्तान इंडिया का तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं। बात सुनो, हमारी दोस्ती चीन से है ना, वैसे हिंदुस्तान वाले अफगानिस्तान से प्यार कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान वाले हिंदुस्तान से प्यार कर, ठीक है, इसलिए उन दोनों की चलती, हमारे नबी का फरमान है, ठीक है, जबरदस्त के गैर दिन नहीं है कुफार, हाँ। वो मुसलमान के दोस्त कभी नहीं बने, ठीक है, हमारे चाइना है ना बहुत सारा कहा था, ये चाइना मुसलमान है, मेरे सुन ले, ठीक है, चाइना हमारा दोस्त है ना, वो मकसद एक मिशन है उसका, वो पूरा हो जाएगा। इसका मतलब गाली नहीं देते, गाली बुरी बात चलती जी। तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आबिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि आबिद भाई का गारमेंट का बिजनेस कोई नहीं चल रहा, इन्होंने ये स्टॉल लगा लिया जूस का। तो इनसे ये पूछेंगे कि जूस का स्टॉल कैसा चल रहा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे बिल गेट्स की, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है, छोटी मोटी नहीं तकरीबन डेढ़ घंटे की मुलाकात हुई है, उसमें जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात की गई है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की गई है, इन चीजों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, जूस कॉर्नर वाले। वालेकुम अस्सलाम। कोई जूस कॉर्नर नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं, मजाक, हमने जूस पीना था, कोई इधर आके खड़े हो गए हम ही, आप यार क्या कर रहे हो? नहीं चले ठीक हो गया, जूस पीने आए थे आप, सीरियस ना लेना। आबिद भाई मुझे बताएं, टॉपिक की तरफ आते हैं, टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मेन चीज है बिल गेट्स, डेढ़ घंटे की मुलाकात हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से, क्या आपने वो बातें सुनी है?
जी बिल्कुल सुनी है मैंने, तकरीबन वो पूरी वीडियो देखी है क्योंकि उस वीडियो का मजा बड़ा आ रहा था मुझे सुनने का। मैंने वीडियो स्टार्ट की, मतलब मैंने कहा 10-15 मिनट सुनूंगा, वो घंटा डेढ़ घंटा समझ ही नहीं आई क्योंकि वो हिंदी में सारा सिलसिला था और उसका बड़ा मजा लिया। खैर सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगा बिल गेट्स साहब की। बिल गेट्स साहब जो है ना, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडिया में एक अंबानी फैमिली का फंक्शन था, इवेंट था, तो उसमें वो मौजूद थे। कभी वो चाय वाले के पास जा रहे हैं, डोली चाय वाला, वो भी मशहूर हो गया डोली चाय वाला भी। तो मतलब ये पूछना है, मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली 20-15 दिन या एक महीना पहले बिल गेट्स साहब इंडिया में थे, अब ये जो वीडियो आ रही है, मैं पूछना ये चाहता हूँ अपनी ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि बिल गेट्स साहब अभी तक इंडिया में या दोबारा आए हैं, ये जब से इंडिया के बीच में है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। मेरे ख्याल से तभी से इंडिया में ही होंगे क्योंकि अगर जाते तो कोई ना कोई इसी के साथ खबर आती, लेकिन आप लोग बड़े बिजी पर्सन है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी देर से इंडिया में ही होंगे। ठीक है आबिद भाई, अगर आपका इंडिया में कोई इस तरीके से बिजनेस होता है गारमेंट्स का, जिस तरीके से आप फैन है, आप बताते हैं उनकी पॉलिसीज के, तो जैसे बिल गेट्स मिला है चाय वाले से, क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं आपसे? देखिए ये तो मैं पाकिस्तान का एक आम सिविलियन हूँ। ठीक है आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब का दौर था, तो इमरान खान साहब ने अपने मुल्क हालात या कोई भी मामला के लिए बिल गेट्स साहब को खत लिखा था। ठीक है तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई रिस्पांस भी मिला था, कोई ऐसे मामला हुए थे। आज देखें कि इंडिया में एक महीने से बिल गेट्स साहब, बिल गेट्स साहब वो हैं जिनकी मिसाल हम ये सुनते होते थे कि वो रास्ते में चल रहे हो, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो रास्ते में चल रहे हो और जेब में से पैसे निकाल रहे हो और कुछ पैसे नीचे गिर जाए, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि उन पैसों को उठा लें, मतलब इतने बिजी पर्सन है वो। तो उन्होंने पाकिस्तान के इमरान खान साहब को जब वक्त के वजीर आजम थे तो उन्हें जवाब नहीं दिया, मतलब उन्हें पता है कि इस मुल्क में क्या चल रहा है और क्या मामला है, सेफ साइड ही नहीं है। अदरवाइज दूसरी बात यह है कि देखें दुनिया का छठा बड़ा कंट्री है पाकिस्तान आबादी के लिहाज से, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये छोटी कंट्री है तो इस वजह से उन्होंने टाइम नहीं दिया होगा, अगर टाइम नहीं दिया तो। आबिद भाई क्या बातें हुई, मतलब जो बिल गेट्स की और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात थी उसके अंदर क्या बातें हुई, हमें क्या सीखना चाहिए और क्या लगता है टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया जिस तरीके से आगे निकल रहा है? जी सीखने वाली जो बात की, बड़ी मजे की बात की है क्योंकि मोदी जी का जो मैंने इंटरव्यू देखा उसमें मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला और बड़ा कुछ समझने को मिला। देखिए उसके बीच में एक तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात की, उसके बाद जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की ना, देखिए इंडिया में कोई बच्चा पैदा होता है, ये मोदी जी बता रहे हैं कि बच्चा कोई पैदा होता है तो अपनी माँ को आई बोलता है, ठीक है, मतलब हम इधर अम्मी जान बोलते हैं, उधर आई बोला जाता है, लेकिन उधर उन्होंने एक चीज और साथ बड़ी मजे की जोड़ी कि इसके साथ बच्चे को एआई का भी जो है ना पता होना चाहिए। एक तो खाली आई तो बोलता है, मतलब अम्मा तो बोलता है, लेकिन एआई भी बच्चे को बोलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उनका पैदा होता बच्चा स्पेशल इंटेलिजेंट बच्चा बने, ठीक हो और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में बहुत आगे निकले, उनका मकसद ये था बताने। ठीक हो गया, नो डाउट, जब यही चीज अगर एक दो कंट्री ऐसे हैं जिसमें ये बताया जाता है कि फुटबॉल, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है उसे फुटबॉल दिया जाता है, ऐसे ही हर एक कंट्री का अपना एक विजन होता है, अपनी एक सोच होती है। पाकिस्तान में भी हमें ये चाहिए कि इन चीजों के ऊपर वर्क करें हम, मतलब बच्चा पैदा उसे बताएं कि भाई दुनिया में हमने ऐसे नाम करना है टेक्नोलॉजी में या किसी भी फील्ड में, बिजनेस में। आबिद भाई एक चीज तो ये होगी, उसके अलावा अगर हम बात करें, जी मुझे अभी मोदी जी की बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर अगली तरफ चलेंगे। अभी देखिए फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि रिबॉर्ड सिस्टम जो है वो एक रिबॉर्ड का बहुत बड़ा सेटअप इंडिया में चल रहा है, एक बहुत बड़ी लैब बनाई है उन्होंने, एक नहीं पता नहीं क्या क्या सेटअप इसमें उन्होंने स्टार्ट किए हैं। अच्छा मोदी जी चले जाते हैं रिबॉर्ड को मिलने के लिए, ठीक है, अब रिबॉर्ड से जब मिलते हैं उससे बातचीत शुरू हो जाती है। अच्छा बातचीत जब शुरू होती है तो मोदी जी उससे सवाल करते हैं, अब देखिए इंडिया में बहुत सी लैंग्वेज हैं, बहुत सी लैंग्वेज में बोला जाता है, तो वो मुख्तलिफ लैंग्वेज में उससे सवाल करते हैं और वो रिबॉर्ड उस सारी लैंग्वेज का जवाब देता है और परफेक्ट जवाब देता है। हालांकि मुख्तलिफ लहजों से बात करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से बात करते हैं, लेकिन वो रिबॉर्ड प्रॉपर जवाब देता है। अच्छा मोदी जी इधर क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं रिबॉर्ड का नाम लेके सवाल करता था ना, चाहे किसी भी लैंग्वेज में करता था, तो वो प्रॉपर जवाब देता था, लेकिन जब मैं उसका नाम लिए बगैर उससे सवाल करता था तो वो उसका जवाब नहीं देता था। तो उन्होंने कहा कि भाई अब टेक्नोलॉजी जो नेक्स्ट आएगी ना, इस रिबॉर्ड को इसका नाम लिए बगैर इससे सवाल करें किसी भी लैंग्वेज में, जवाब देना चाहिए, यानी उन्होंने टास्क दिया अपने इंजीनियर्स को, इंडियन इंजीनियर्स को ये टास्क दिया। आबिद भाई अभी ये खबर थी कि उनका इंडिया का इंटरनल मैटर था पॉलिटिक्स के हवाले से केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को लेकर, उसमें कभी जर्मनी ने इंटरफेयर, सर उसके ऊपर मैं बताता हूँ। देखिए केजरीवाल जो है वो अभी बंद हैं, मतलब वो जेल के अंदर हैं, ये जो भी उनके मामला थे, देखें ये उनके घर के मामला हैं, हमें मेरे ख्याल से इस चीज के ऊपर डिस्कस नहीं करना, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में क्या हो रहा है
और देखिए भाईजान, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ताकतवर वजीर आजम होना चाहिए, मजबूत कंट्री होनी चाहिए, गैरतमंद लोग होने चाहिए। मैं हमेशा यही बात करता हूँ सर, मेरी बातों का मतलब भी समझा करे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जर्मन ने वो केजरीवाल के ऊपर जो बात की, स्टेटमेंट दिया तो शट अप कॉल मिली, यूएसए ने बात की तो शट अप कॉल मिली, उकवामे मुहतैदा ने बात की तो शट अप कॉल मिली। शट अप कॉल किस चीज को लेके मिली कि देखिए ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, ये हमारे मुल्क के मामलात हैं, तुम कौन होते हो बोलने वाले, तुम यूएसए वाले कौन होते हो, तुम जर्मन वाले कौन होते हो, उकवामे मुहतैदा कौन होते। देखिए सर बात सुनिएगा मेरी, इसे कहते हैं गैरतमंद वजीर आजम जो अपनी अवाम को भी गैरतमंद बनाता है। कि देखिए अभी देखिए हमारी तरफ, सर आप बोलने दीजिए ना मुझे, अभी आप हमारी तरफ देखिए कि एक मुल्क का गैरतमंद वजीर आजम क्या बात कर रहा है कि जर्मन कौन होता है हमारे मामले में बोलने वाला, यूएसए कौन होता है हमारे मामले में बोलने वाला, उकवामे मुतहदा कौन होता है हमारे मामले में बोलने वाला, और एक हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है जिसके फैसले IMF करता है। अब मैं आपको उसकी डिटेल भी बताऊंगा। देखिए हमारी बिजली का रेट कौन निकालता है, IMF निकालता है, हमारे पेट्रोल का रेट कौन निकालता है, IMF निकालता है। अरे यार ये तो दो चीजों का नाम लिया है, इच एंड एवरीथिंग 90% हमारी मुल्क की जो सिलसिले हैं ना वो सारे IMF हैंडल करता है, उनके रेट वो निकालता है, हमारी मर्जी इधर नहीं चलती। अभी रिसेंटली जो IMF का सारा सिलसिला आया, जब भिखारियों ने भीख दोबारा मांगी तो उन भिखारियों को पता क्या कहा गया है कि आपका जो सी पैक बन रहा है इसकी भी पेमेंट जो होगी ये भी IMF तय करेगा, देनी भी है कि नहीं देनी, उधर पैसे लगने हैं भी कि नहीं लगने। यानी जो पाकिस्तान का गेम चेंजर था वो गेम ही IMF के कंट्रोल में जाती नजर आ रही है। ठीक है, अभी IMF देखिए इन चीजों को भी तय कर रहा है। अभी रिसेंटली आप देखिए कि चाइना के कुछ इंजीनियर थे जिनके ऊपर हमला हुआ जो मारे गए। ठीक है, देखिए सर मैं इधर बात ये करना चाहूंगा, वो किधर गई यारी दोस्ती, वो किधर गई मोहब्बतें, वो किधर गई जफिए, वो किधर गया। सर मैं बताता हूँ ना कि वो कहाँ गया कि हम किसी भी मुश्किल में होंगे तो चाइना हमें निकाल लेगा। अच्छा दोस्त कौन होता है, अच्छा भाई कौन होता है, अच्छा यार कौन होता है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो। क्या उन 5 इंजीनियर्स को पाकिस्तान ने मारा है, क्या हमारी फौज ने मारा है, क्या हमारी पुलिस ने मारा है, क्या हमारे सिविलियन ने मारा है? नहीं सर, उन्हें दहशतगर्दों ने मारा है, दहशतगर्दों का सिलसिला था वो। उधर चाइना का बयान ये आना चाहिए था कि हम पाकिस्तान के साथ प्रॉपर खड़े हुए हैं, हम पाकिस्तान के शाना बिशान, यारी तो इसे कहते हैं ना, दोस्ती से कहते हैं। अभी देखिए चाइना का कितना बड़ा, कितना सख्त बयान आया पाकिस्तान को लेके, इवन के कई जगहों पे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं इस चीज को लेके कि पाकिस्तान में हम सिक्योर नहीं है, हमारी सिक्योरिटी नहीं है। तो सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपके घर में 2 बच्चे हों, एक बच्चा गलती करता है, क्या उस बच्चे को आप घर से निकाल दोगे या उस बच्चे की तरबियत सही करोगे आप? या पाकिस्तान को बच्चा कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? मैं एग्जांपल दे रहा हूं सर, मैं किसी को बच्चा नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाइना को अगर वो हमारा दोस्त था तो इस टाइम वो हमारे साथ खड़ा होता। देखिये चाइना को मैंने बड़ी वीडियो में ये बातें बताई हुई है कि अभी देखिए आप हिंदुस्तान को कंपेयर करते हो चाइना के साथ। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, कितनी बड़ी वीडियो में कभी आपने मीडिया में ये बातें नहीं सुनी जो आबिद अली आज आपको बात बताएगा चाइना को लेके। सर हमने हमेशा क्या सुना है कि हिंदुस्तान में कश्मीर में बहुत बड़ा जुल्म हो गया जी, मुसलमानों के गले काट दिए, उधर हिंदुस्तान की बात करूं कश्मीर से हटके बड़ा जुल्म कर रहे हैं, बड़ा जुल्म हो रहा है जी, मुसलमानों का जीना हराम हुआ है, मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं, उधर ये कर दिया जा, मुझे दिखाओ भाई कौन सी मस्जिद टूटी है। अच्छा एक और चीज, अब आए चाइना को लेके जो हमारा यार है जिनसे हम जफिए डालते हैं, जिसे हम अपना फ्रेंड मानते हैं, सबसे ज्यादा मस्जिदें तोड़ी गई हैं, शहीद की गई हैं चाइना में, मुसलमानों के सबसे साथ सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ है वो चाइना के बीच में हुआ है। इंडिया ने वो जुल्म कभी नहीं किया, इंडिया ने वो कभी नहीं किया जो हमें बताया जाता है। हमारे लीडर, हमारी मीडिया चाइना के हवाले से क्यों नहीं बोलती? मैंने तो ये सुना कि वहां पे मस्जिद जो बनाने का स्ट्रक्चर है, मस्जिद का जो शेप है, वो भी गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर नहीं बनाई जा सर सकती। जो मस्जिद मलबे तले हो चुकी है उनके ऊपर कभी हमारी मीडिया ने दिखाया? मुझे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो इतने मुसलमान जो चाइना में उन्हें मार दिया गया, उन्हें रोन दिया गया, कभी हमारे मीडिया ने आप लोगों को ये बात दिखाई? हमें ये तो दिखा दिया जाता है कि इंडिया में एक पत्ता हिल गया। वो भाई कुछ कहना चाहते हैं, आए आबिद भाई उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कह रहे हैं भाई, हर गल से इंडियन वगे ले आ रहे हैं। ठीक है, उर्दू अगर बोलेंगे जरा, मैं उर्दू नहीं बोल रहा भाई, बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की थी इंडिया ने। क्या कहना चाहेंगे आबिद भाई? बाबरी मस्जिद हमारे इधर बताया जाता है जी, बाबरी मस्जिद, लेकिन अगर हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे वो उनका ये क्लेम है, वो कहते हैं उससे पहले कई
कई सौ साल पहले वहाँ पे मंदिर था। देखिए इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो की थी, मेरी ऑडियंस ने वो वीडियो सुनी हुई है। देखिए सर, बाबरी मस्जिद, हम लोग मुसलमान है, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि मस्जिद के खिलाफ हो हम लोग या मस्जिद के अगेंस्ट बोले, भाई हम तो मुसलमान है। लेकिन देखिए आप बात को समझें, आज से कई सौ साल पहले ना आप उधर मौजूद थे ना मैं उधर मौजूद था। देखिए उस सौ साल पहले, पांच सौ साल पहले, कितने भी सौ साल पहले उधर बताया जाता है कि हिंदुओं का जो मंदिर मौजूद था, जो राम है ना, जो हिंदुओं के राम है, उनकी उनकी पैदाइश उधर की थी या अच्छा, उनकी जन्म। मुझे ये बताएं बाबरी मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद क्यों है, मतलब उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद क्यों है? बाबरी मस्जिद बादशाह बाबर, हाँ जी, ये बाबर ने मस्जिद बनाई। अब आप ये देखें बाबर कब आया हिंदुस्तान में, उससे पहले वहाँ पे क्या चीज मौजूद थी, ये सोचने वाली बात है। अच्छा आपको इनकी बातें गुस्सा मतलब बुरी लग रही है? हर बात वो इंडिया में लेके आ रहे हैं ना, इंडिया वो कौन सी बात इन्होंने झूठ किया है? मैं भी तारीफ इंडिया की कर रहे हैं सारी, जो भी है। मैं आपसे एक बात करना, माइंड ना करें मेरे मोहतरम है। देखिए अगर कोई तारीफ के लायक हो या उसकी तारीफ कर दें तो बुरी बात, सुनिए सुनिए, इंडिया इस टाइम आपको आइडिया है, हमारा मीडिया तो नहीं दिखाता, दुनिया में पांचवी बड़ी इकोनॉमी इंडिया बन चुका हुआ है, दुनिया की पावरफुल स्ट्रॉन्ग कंट्री इंडिया बन चुका है, G20 की मीटिंग उधर हो रही है, वो अमीर तरीन लोग बन चुके हुए हैं। अगर हम इंडिया की तारीफ कर, सर मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या पाकिस्तान था? हिंदुस्तान तो सारा एक ही होता था ना, बड़े सगीर पाक हिंद जो है एक ही होता था ना। अगर हम इंडिया से बाहर निकले हैं तो हमारी इंडिया से क्या दुश्मनी बन गई है? मुझे पहले ये बताइए ना कि इंडिया में मुसलमान तो हमारे से ज्यादा रहते अच्छा, हैं, इंडिया में मस्जिदें पाकिस्तान से ज्यादा। चलो ये बताए, इन्होंने इंडिया की बात की, अब चाइना की बात करें, चाइना में मुसलमान अच्छी हालत में है? चाइना में हमें दिखाई नहीं रहा ना, यही बात है ना कि हमारा मीडिया तो दिखा। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, देखिए हमारा मीडिया अगर नहीं दिखा रहा, अगर कोई इंसान प्रूफ के साथ आपसे ये बात कर रहा है कि चाइना में इतनी को मस्जिदें शहीद हो चुकी हुई हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, चाइना में इतने को मुसलमानों को मार दिया गया जो आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा अगर चाइना की तारीफ की जाए वो ठीक है? चाइना की तारीफ नहीं की जाए, गल ये कि चाइना तारीफ करते ही नहीं, मगर असि एक गल मैं कर रहे हैं कि असि हिंदुस्तान साड़ा दुश्मन है, हर गल से साड़ी वो दुश्मनी करता है। कौन सी बात में वो दुश्मनी कर रहा है? वो तो हमारा नाम भी नहीं लेता। अब आपने कोई सुनी है खबर इस साल दो साल इधर? बताना चाहूंगा कि सर एक सेकंड एक बात करना चाहूंगा, इंडिया के साथ ना हमारा कंपैरिजन जो है ना बहुत साल पहले खत्म हो चुका है, अब उनके साथ हमारा वो हमें दुश्मन नहीं समझते, वो समझते हैं कि हमारी दुश्मनी जो है ना अब हमारा पाकिस्तान लेवल पे आ गया, अफगानिस्तान श्रीलंका मतलब उनका लेवल चला गया इंग्लिश कंट्रियों के लेवल पे। अभी अरब अमीरात की बात था तो सऊदी अरेबिया जिसे हम बहुत अमीर समझते थे, जिसे हम समझते दुनिया के बादशाह, ये लोग पेट्रोल से कमाई करते थे, आपको ये आइडिया नहीं, किसी ने नहीं ये बात बताई, सऊदी अरेबिया पेट्रोल से पूरे साल में इतना पैसा नहीं कमाता जितना पैसा वो इंडिया आईटी एक्सपोर्ट करके अपना पैसा कमा रहा है, उससे ज्यादा जो जमीन से पेट्रोल निकल रहा है ना। इधर सवाल हम यही कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में आईटी के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा, पाकिस्तान में एजुकेशन के ऊपर काम नहीं हो रहा, पाकिस्तान में हेल्थ के हवाले से उस तरीके से क्यों नहीं काम हो रहा? मेरा भी दिल करता है कि पाकिस्तान आगे जाए, ये सब भाइयों का दिल करता होगा कि पाकिस्तान आगे जाए। हर आपको क्या लगता है पाकिस्तान आगे नहीं जाना चाहिए? जी जाना चाहिए। और अगर कोई दूसरा कंट्री आगे जा रहा है तो हमें सीखना नहीं चाहिए? जी सीखना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने इंडिया का बात की, इंडिया हमारा सच में दुश्मन है। कैसे? थोड़ा सा बताएं। उसने जो है ना फलस्तीन के खिलाफ जो है ना उठे उखड़े हो गए। अब आपको मजे की बात बताऊं, गजा में उन्होंने हेल्प, गजा का पता ना फलस्तीन गजा, वहाँ पे इंडिया ने हेल्प भेजी बकायदा माली प्लेन भेजा है, उसने जो है ना इसराइलों के साथ दिया, ठीक है ना? अच्छा पाकिस्तान कहाँ पे गजा के साथ या इसराइल के साथ खड़ा हुआ है मुझे बताएं? हम तो मजबूर है ना, हम हमारा अपना मुल्क खराब है, ठीक है, हम कैसे उसके साथ खड़े होंगे? अच्छा, जब हमारा अपना मुल्क सीट हो जाएगा तो हम मजबूर लोग हैं तो हम क्या बात कर सकते हैं किसी के खिलाफ? मुझे ये बताइए, यानी हम मुसलमान हो के नहीं, हम मुसलमान हो के नहीं खड़े हो रहे, और हम कहेंगे इंडिया क्यों नहीं खड़ा हुआ, हम सऊदी अरेबिया खड़ा हुआ है, हम चले गरीब है सऊदी अरेबिया खड़ा हुआ है, लेकिन खिलाफ तो नहीं खड़े ना, इंडिया खिलाफ खड़ा है? नहीं नहीं, इंडिया तो मदद भेज रहा है उधर लोगों को। आप किसी से जाके पूछिएगा, इंडिया ना इसराइल और ना ही इसमें गजा, लड़ाई के मामले में वो कहते हैं हम किसी के साथ दिए, अमेरिका उसके साथ खड़े और इंडिया भी। दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका का साथ किसी ने अगर दिया है ना तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान का पता है आपको? अफगानिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में किसने साथ दिया, किसने अपने अड्डे दिए, किसने डॉलर लिए, कौन बिका उधर अमेरिका को लेके? सर ऐसी बातें नहीं है जो हमारा मीडिया हमारे दिमाग में डाल देता है ना। अभी मैं आपसे एक बात करता हूँ, हिंदुस्तान में आपको आइडिया कि पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है उधर, देखिए इतने मुसलमान उधर है कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ मीडिया दिखा रहे मुसलमान के ऊपर, कौन कह रहा है कहाँ पे हो रहा है? आप वीडियो नहीं देखो, मस्जिद मस्जिद जल रहा है, ठीक है ना, हर मुसलमान के साथ उधर जलम हो रहा है। चाइना में मुसलमान किस हालत में है? चाइना के मुसलमान
किस हालत चाइना का, चाइना का तो सिफत नहीं कर रहा, वो भी ऐसी है, वो भी वो गलत कर रहे हैं। हाँ, वो भी गलत कर रहे हैं। कोई मीडिया जुल्म कर देना, वो जिधर भी वो हमारे, मैं कहता हूँ जो किसी भी इंसान के साथ जुल्म करता है, चाहे मुसलमान है चाहे कोई किसी भी मजहब से है, जो किसी इंसान से जुल्म करता है वो गलत है। लेकिन ये देखे कि हम चाइना के ऊपर बात क्यों नहीं करते, हमारा मीडिया क्यों नहीं बोलता? चाइना के बारे में पूछा नहीं है मुझसे, मैं उसके बारे में बात करूंगा। चाइना में आप बताएं जुल्म हो रहा है? अगर मैंने तो देखा नहीं, अगर होता तो मैं उसके भी खिलाफ बोलूंगा। देखा क्यों नहीं? अब ये मैं सवाल करूं यार, हमारे पास जो आते ना, क्या हमारा मीडिया दिखा ही नहीं रहा? ये चीज है ना कि हमें जो बता दिया जाता है, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो हम देखते हैं ना, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सोच कैसे बदलेगी? मतलब हमें कुछ भी, मैं आपको कुछ भी दिखा दूं, एक साइड दिखा दूं, दूसरी साइड दिखाऊं ना, और आप वो मानते जाएंगे? अच्छा, ऐसे इंडिया में जो दिखाया जाता है कि इधर पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है किस हालत में है, आपको पता है हिंदू जो यहाँ पे रहते हैं किस हालत में रहते हैं, आप बताएं? अच्छे हालत में रहते हैं, हमने उसका ज्यादा नहीं किया, ठीक है ना? उससे हम जो है ना, किधर रहते हैं पाकिस्तान में हिंदू, कभी मिले हैं किसी हिंदू से? कहाँ पे? इधर वो क्या नाम है, वो पेशावर, हमारे पेशावर में, ठीक है ना? बहुत ऐसी जगह जहाँ पर है, ठीक है ना? सिख है, सिख को हमने कितना इज्जत दिया था, ठीक है? पेशावर में एक सिख का कत्ल भी हुआ था कुछ टाइम पहले। कत्ल तो हमारे भी, देखो वो कत्ल जो है ना, इधर हमारे पठान जो कितना सारे मर जाते हैं, लड़ाइयां तो आपस में होती है। यही बात मैं के बारे में जो है ना, किसी को मतलब आप तंग करें, वो इंडिया जो है ना, वो सिर्फ मुसलमानों को मजहब के बारे में, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। एक मिनट, मुझे ये लास्ट बात समझाने दे। इधर आपने बोला, मैंने बोला कि सिख भाई का कत्ल हुआ, आपने बोला वो तो किसी का भी हो जाता है, पठानों का भी हो जाता है। यही चीज आप दूसरे कंट्री का भी सोचे ना, कि वहां पे भी अगर मुसलमान मार रहा है, कत्ल हो रहा है, तो वो अब इस्लाम या मजहब को ना लें, वहां पे भी आपस में लड़ाई हो सकती है। सिख मारा था, ठीक है ना? मैंने तो सुना, आपने सुना होगा सिख मारा, ठीक है ना? मैंने देखा। एक मिनट, किस चीज पे मारा है? किस चीज में? मार्केट में, बाजार में था कोई, उसकी लड़ाई हुई है? लड़ाई हुई तब मारा था ना, ठीक है? लेकिन जो इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है ना, वो तो सिर्फ मजहब। ये जड़ा वाला का वाकया आपको पता है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ था, सारे घर जला दिए थे, सुना होगा आप में से किसी? हाँ सुना था, आपने सुना? क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर जलाएंगे? बहुत ज्यादा तादाद में जलाए गए, तो वो अच्छी बात थी? तमाम भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, आप जरा गौर से सुन लीजिएगा। आप ये समझ रहे हो कि पता नहीं हम इंडिया की बात करते हैं, आप गौर से सुनिए, ऐसी बात कोई नहीं है। हमारा जो चैनल है ना, हम लोग पीस के ऊपर काम करते हैं, हम इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती के ऊपर काम करना चाहते हैं, गलत फहमियां दूर करना चाहते हैं। देखिए, आज इंडिया के साथ हम दुश्मनी करके बैठे हुए हैं, काश हम इंडिया के साथ ट्रेड करते, कारोबार करते। ये चीजें जो प्रोडक्ट आप इतनी महंगी ले रहे हो ना, आलू टमाटर प्याज ही लगा लो, तो ये भी आपको आधी से भी कम कीमत में मिले। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो, हमारा पीस का सिलसिला ठीक है, हमारा ये सिलसिला नहीं झगड़ों का। और फिर दूसरे नंबर पे अभी हमारे जो उनसे वज़ीरे ख़ारजा हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बकायदा कहा कि हम इंडिया से ट्रेड करने का सोच रहे हैं, हमारे बिजनेसमैन चाहते हैं कि इंडिया से ट्रेड हो, तो फिर हमें क्यों दुश्मनी का बताया जाता है? ये आज जो भी लोग, लेट सपोज को यहाँ पे खड़ा होकर इंडिया की तारीफ करता है, तारीफ झूठी नहीं, सच बात बताता है, किसी को बुरी लगती है, तो उसकी रीजन यही है कि हमारे मीडिया ने जो 76 साल बताया है, क्या ये सोच हम बदल सकते हैं? देखिए, आज हम लोग इंडिया की इतनी नफरत लेके दिल में बैठे हुए हैं। जब पिछले टेन्योर में नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे ना, तो जब वो अपनी बालकनी में आके जब उन्होंने ऐलान किया कि मैं वजीर आजम बन चुका हूँ, जो मैं जीत चुका हूँ, तो सबसे पहले इंडिया की बात की थी कि हमने इंडिया से दोस्ती करनी है, हमने यारी करनी है। तो जब किसी का खून गर्म नहीं होता, जब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि यार देखें वो लोग तरक्की कर रहे हैं, तो हमें भी आईटी में तरक्की करनी चाहिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो वो बोर्ड का सिलसिला किया हुआ है, हमें उसमें तरक्की करनी चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी अच्छी करनी चाहिए, एजुकेशन अच्छा करना चाहिए, अपने हॉस्पिटल अच्छे करने चाहिए, ठीक है? इन बातों को भी समझिए कि हम चाहते क्या है। भाई जान, अगर हम इंडिया की बुराई करते हैं वो अच्छा है, या तारीफ करते हैं वो अच्छा है? देखो, जो ना करें, जो इंसान जैसा है ना, उसके मुताबिक मैं आपको बोलूंगा। आप अच्छे हो तो मैं बोलूंगा ये अच्छे है, ठीक है? हम इंडिया को देखो, इंडिया को जो है ना सबसे ज्यादा हम चाहते थे, ठीक है ना? जब ने उसने इसराइल का साथ दिया ना, ठीक है, जो है ना उसने गलत किया, गलत को गलत बोलना ठीक है? वहाँ पे क्या उन्होंने हथियार भेजे इसराइल के साथ, क्या किया उन्होंने? मुझे हथियार तो नहीं भेजा, लेकिन क्यों मतलब वो उन्होंने दवाइयां भेजी हैं, उन्होंने खाना पीना भेजा। सर, हमारे पश्तों का एक शायर है, बख्ती रहमान नाम है, जी जी, उसने बोला है, जी जी बताया, उसने बोला है कि जब मोहब्बत की बदले मोहब्बत मिलेगी, जब इंडिया वाले हमें मोहब्बत देंगे तो हम मोहब्बत ही देंगे, ठीक है? यही काम हम पहल करें कि मैं कहूँ कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि मैं उनके लिए मोहब्बत रखता हूँ, आप भी कहें, हम सब कहें, तो फिर मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मिल जाएगी। अपना मुसलमान मुल्क अफगानिस्तान, उससे नफरत कर रहे हैं, ये बताएं ना, कर रहे हैं ईरान के, ईरान इस्लामिक कंट्री है, तो उसके साथ भी हम जंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। हम किसी के साथ नहीं करते, यकीन मान, हमारा अफगानिस्तान नहीं है, हलन के एक ही लोग है, उधर भी पठान रह रहे, इधर भी पठान रह रहे, तो उनके साथ फिर भी नफरत कर रहे हैं।
क्यों? अब वो तो चले हिंदू है वो तो हाँ, बड़ी उसका तो हम लॉजिक दे देते हैं ना कि हिंदू है। अफगानिस्तान में क्यों लड़ाई कर रहे हैं हम, क्या वजह? वो भी इंडिया के साथ मिले हैं, फिर डॉलर की बात है। हाँ, इंडिया के साथ मिले। अच्छा, वो भी मिले हैं। वो इंडिया का तारीफ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अफगानिस्तान इंडिया का तारीफ करता है, इंडिया का तारीफ करता है। बात सुनो, वैसे हमारी दोस्ती चीन से है ना, वैसे हिंदुस्तान वाले अफगानिस्तान से प्यार कर रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान वाले हिंदुस्तान से प्यार कर रहे, ठीक है। इसलिए उन दोनों की चलती यार। दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान में शरीर का बात आप मैं बता रहा, ठीक है ना। आप बोल रहे हो कि मतलब इंडिया वाले हमसे नफरत नहीं करते, ठीक है। मैं मतलब क्रिकेट पे आप ले रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। वो पाकिस्तान से बहुत क्रिकेट में करते, ठीक है ना। सारी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान से करते। अब देखो फिल्म में मतलब हम देखे, ठीक है ना, पाकिस्तान में जो है ना सारी उनके फिल्म में देख सकते हैं, ठीक है। अभी बैन है। इंडिया में जो है ना हमने ये तो हमने अभी बैन किया। अच्छा, एक आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, ये हमारे नबी का फरमान है, ठीक है, जबरदस्त, के गैर दीन नहीं है कुफार। हाँ। वो मुसलमान के दोस्त कभी नहीं बने, ठीक है। हमारे चाइना है ना, बहुत मुसलमान है, मेरी सुन ले, ठीक है। चाइना हमारा दोस्त है ना, वो मकसद एक मिशन है उसका, वो पूरा हो जाएगा। गाली बुरी बात होती है, ये लाखों लोगों ने आपकी वीडियो देखनी है, लाखों लोगों ने, और यहाँ से पॉजिटिव मैसेज भी अच्छी मैसेज दीजिए, ठीक है। मैंने एक बात की है ना कि भाई जब उनका मतलब पूरा होगा वो भी निकल जाएंगे। पाकिस्तान में वो सीपैक चल रहा है, वो जो मंसूबा है, उधर एक पाकिस्तानी को भी पता नहीं है कि उधर क्या हो रहा है। ओ, ये देखे बातें सच्ची भी कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है कि उधर क्या हो रहा है, सिर्फ उधर चीन के लोग काम कर रहे हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम केपी कैसे बिलोंग, केपी कैसे बिलोंग करते हैं? और यही चीजें हैं, देखें, ये इन्होंने जो बात की है, अफगानिस्तान अगर आज इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, इस्लामिक कंट्री है, वो कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? और ये जो हमारी सोच है ये हम लोगों नहीं बदलनी। एक और चीज है, भाई कह रहे थे कि क्रिकेट में इंडिया जो है ना पाकिस्तान से बूझ रखता है या नफरत करता है, ठीक है। अभी रिसेंटली आप देखिए वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को क्या वेलकम दिया गया उधर, क्या प्रोटोकॉल, बाबर बाबर के नारे लगे, बाबर जिंदाबाद के नारे लगे इंडिया के। आज जो गाली पड़े थे वो आपने नहीं सुने थे? नहीं, वो तो हमारे वकार भाई जो हमारे ये कह रहे थे कि भाई जो वहाँ पे मोहम्मद रिजवान ने जाके हिंदुओं की सरजमीन में जाके सजदा किया है, तो एक दफा हिंदुओं को दिखा दिया, हम भी तो फिर ऐसी स्टेटमेंट देंगे, उन्हें भी तो गुस्सा आएगा। बाबर आजम जो है दुनिया का सबसे, ऐसी बात हुई थी, ठीक है ना, बात सुनो, बाबर आजम दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर है, ठीक है यार, अभी भी है, चले ठीक है। हर एक हम विराट कोहली का बहुत इज्जत करते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैंने ये देखा मोस्टली पाकिस्तानी विराट कोहली को बहुत पसंद है, ग्राउंड में बाबर आजम को गाली मिल चुकी है, ठीक है ना यार, ठीक है, जबरदस्त। किस चीज के नाते? इंसानियत के नाते। ये चीज है भाई, देखें, जो एजुकेटेड होगा, जो थोड़ी अवेयरनेस रखता होगा, अब उन्हें पता है कि सीपैक के हवाले से क्या काम हो रहा है बलोचिस्तान में, उन्हें पता है अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन कैसे हैं। हमें सिंपली ये बता दिया जाता है कि भाई अफगानिस्तान इंडिया के कहने पे पाकिस्तान के खिलाफ है, ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि रिलेशन बेहतर है उनके, किसके, अफगानिस्तान और इंडिया के? बहुत अच्छा रिलेशनशिप है तो क्या वजह है? वो भी तो इस्लामिक कंट्री है, मोहब्बत के मतलब मोहब्बत दे रहे हैं। वजह क्या है? वजह क्या? इंडिया जो है हमसे नफरत करते हैं। अच्छा, अफगानिस्तान में हमसे करते हैं। क्यों करते हैं? वो हमारे जलाने के लिए जो एक दूसरे के साथ अफगानिस्तान इसलिए कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहे हैं ना, उन लोगों को जहन में ही आते हैं ना जो ये हम कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया तो हो गया हमसे नफरत इसलिए करता बकोल आपके के वो हिंदू है, ठीक है, अफगानिस्तान क्यों नफरत करता, वो तो मुसलमान है। तो हमने तो जश्न मनाया जब तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो वही हमने तो माना है, हम उसके लिए अच्छी दुआ करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। क्यों नहीं करते? तो वही तो कह रहा ना, क्यों नहीं करते? अब जो इंडिया वाले हैं ना, ये भी एक मंसूबा बन रहा है, अफगानियों को हमारे खिलाफ लड़वाया जा रहा है। अच्छा, ठीक है ना, वो दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है, किसी की नहीं, वो उनका जो गिला है उनको, वैसे आजकल के जो मुसलमान है वो बेवकूफ होते देखे। इधर एक बात है, पाकिस्तान ने अड्डे दिए अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका को हमला करने के लिए दिए, तो फिर दिए तो हर बच्चे बच्चे को पता, ठीक है, तो वो इंडिया ने दिलवाए थे। पाकिस्तान तो मशहूर है पूरी दुनिया में, किस लिए? ये जो लफड़े करते हैं ना, ये पूरी दुनिया में मशहूर। तो ये इमेज कैसे बेहतर होगा? देखें, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी, मेरी सुन ले, मुझे तो नहीं लगता कि ये मुल्क ठीक हो जाए, क्योंकि हमारी उम्मीद रखनी चाहिए होगा, ये हमने ठीक कर बात के ऊपर, ये मुल्क ठीक होगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा ठीक? देखिए, हमारे मुल्क को अल्लाह पाक ने चारों मौसम दिए हैं, मादनियात दी है, पहाड़ दिए हैं, हर चीज दी है। देखिए सर, हमारी बात तो सुन लीजिए ना, बात सुन लीजिए, हमारे मुल्क में खजाने भी हैं, बड़ा कुछ है। देखिए इधर ईमानदार बंदा ही कोई नहीं है, ये चीज है, समझिए बात को, हमारे इलाके में नहीं है, हमारे इलाके में केपीके में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उधर बिजली, ये जो बिजली चल रही है केपीके की, ठीक है, जो मार्बल है बड़े बड़े, जो पत्थर है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी कोयला उधर से आता है, ठीक है ना, जो भी अच्छी चीज है उधर, लेकिन इख्तियार किसका है?
पाकिस्तान का गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का पाकिस्तान का अगर होता तो फिर भी अच्छा होता है, लेकिन इस मुल्क में ऐसे लोग रह रहे हैं कि वो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। ठीक हो गया, जिनका आप नाम नहीं ले सकते, नाम ले सकते इंडिया साइड कश्मीर में। हाँ, इंडिया आज लिथियम निकाल रहा है उधर से, ठीक है, क्या पाकिस्तान साइड कश्मीर में लिथियम नहीं निकल सकता? बहुत सी ऐसी चीजें बलूचिस्तान में ऐसी मादनियात हैं कि बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन चोर डकैत हमारे ऊपर जो चढ़े हुए हैं ना, इस मुल्क को कर्जों से निकलने देना चाहते ही नहीं है। अब आए अफगानिस्तान की बात, सर आप सुनिए, अफगानिस्तान कहता है कि जब हमें हवाई अड्डे जो है ना, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री थी, मुसलमान कंट्री थी, ला इलाहा पढ़ने वाले लोग थे, हम भी ला इलाहा पढ़ने वाले लोग थे, जब पाकिस्तान ने हमारे बच्चों को मरवाया, तबाह करवाया, हमें तबाह करवाया, इधर अड्डे दे दिए गए, अमेरिका से डॉलर लिए पाकिस्तान ने, तो आज हम पाकिस्तान से कैसे दोस्ती करें, कैसे मोहब्बत करें? उनका दिमाग ये है। और लास्ट में यही पे छोड़ दें, इंडिया अगर अफगानिस्तान में इस टाइम मौजूद है ना, या अफगानिस्तान में घुसा हुआ है, तो सर चाइना उससे ज्यादा घुसा हुआ है। ठीक हो गया, मैं इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करूंगा, और कोशिश ये रहेगी कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि पाकिस्तान को किसी भी के साथ, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ईरान हो या चाइना हो, दुश्मनी नहीं करनी। ये जो कंसेप्ट हमारे मीडिया के थ्रू या हमारे जो भी जिन लोगों के थ्रू बना दिया गया है कि भाई अगर दुनिया में कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन है तो वो हिंदुस्तान है, वो इंडिया है, इस कंसेप्ट को खत्म करना है। हमें ट्रेड करनी है, करें, नहीं करनी ना करें, लेकिन किसी के बारे में गलत ना सोचें, नेगेटिव ना सोचें, इसी में हमारी बेहतरी है, इसी में हमारा इमेज बेहतर होगा। मजाक वाली बात करते हैं, छोड़े, अब तो सीरियस गर्म हो गया, मजाक करते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में शुएब भाई जो है ना, हम लोग ग्लासेस देख रहे थे, पता नहीं क्या कोई देख रहे थे, तो मैंने उधर कहा था कि भाई मैं तो ओरिजिनल लूंगा, मैंने दो नंबर ले ली नहीं है, तो शुएब चौधरी ने मुझे भाई ये ओरिजिनल ग्लासेस लगवाए और काफी कॉस्टली हैं, ये सस्ते नहीं है, यूएसए के हैं ये। ठीक हो गया, इसके लिए जो है ना शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ये थी आज की वीडियो, आपको ये भाइयों की बातें कैसी लगी, आबिद भाई की बातें कैसी लगी, माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी में जान लगा था, लेकिन हमारा मकसद यही था कि पीस का और मोहब्बत का मैसेज दिया जाए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।